दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ओप्पो A71 मोबाइल जो होता है उसमें दो तरह का आईसी होता है, एक होता है क्वालकॉम आईसी और दूसरा होता है उसमें मीडियाटेक आईसी, ठीक है। तो इसमें इसी एक ही मॉडल में जो है ओप्पो A71 में जो है दो तरह का आईसी कंपनी ने जो है यूज़ किया है, ठीक है, एक क्वालकॉम और दूसरा मीडियाटेक। तो अभी जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं तो क्वालकॉम आईसी के बारे में दिखाने वाला हूं, किस तरह से उसका पैटर्न लॉक को जो है रिसेट कर सकते हैं। और अगर मान के चलिए अगर आपके पास मीडियाटेक आईसी वाला है तो आप जो है MTK टूल मेडिकल बॉक्स में जो है वहां पे ओप्पो A71 का मॉडल नंबर दिया हुआ, उस मॉडल नंबर पर सेलेक्ट करके उसका जो है आप FRP या पैटर्न लॉक रिसेट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं क्वालकॉम आईसी के बारे में, ठीक है। CPH1801 ये क्वालकॉम आईसी है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कि मैं अपने सब्सक्राइबर के कंप्यूटर पर हूं और इस वक्त मैं ऑनलाइन हूं और ये उसके कंप्यूटर पर जो है मैं उसके मोबाइल को जो है यहाँ से पैटर्न लॉक को जो है रिसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको जो मेडिकल टूल ओपन करना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। डिवाइस मैनेजर के ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक करके आपको देखना है कि आपने जो मोबाइल को बूट कराया है ईडीएल मोड में, तो आपको ईडीएल पोर्ट आपका शो करना चाहिए डिवाइस मैनेजर में। उसके बाद आपको क्वालकॉम टूल सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, तो क्वालकॉम टूल जो है आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको पोर्ट पे क्लिक करके जो है आपको QD लोडर 9008 आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। QD लोडर 9008 सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पे आपको ब्रांड सेलेक्ट करना होगा। सॉरी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मुझे ओप्पो का सेलेक्ट करना था, मैं गलती से जो है वीवो का सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे वापस ओप्पो का सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ओप्पो ब्रांड हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होगा ओप्पो A71। तो हम यहाँ पे ओप्पो A71 मॉडल नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें इसका पैटर्न लॉक को जो है रिसेट करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे रीड फ्लैश फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पे चेक लगाना है और डायरेक्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में जो कुछ सेकंड के अंदर में जो है ये मोबाइल जो ऑटोमेटिकली बूट करेगा इस टूल से, उसके बाद इसका जो है पैटर्न लॉक जो यहाँ से रिसेट हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल बूट कर चुका है और इसका पैटर्न लॉक जो यहाँ से जो है रिसेट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।